हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में गूगल प्ले स्टोर के ये एरर आ रहे हैं तो आप इस एरर को बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। तो यहाँ पर आप सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर वाईफाई को टर्न ऑफ कर देना है। फिर आपको 10 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद आप वाईफाई टर्न ऑन कीजिए। फिर आप जो है अपने वाईफाई को एक बार कनेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको जो है बैक आना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सी ऑल ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट शो हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्ले स्टोर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर शो हो रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बैक आना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशन, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ पर सारे परमिशन अलाउड होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है बैक आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको चेक करना है डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर डेट एंड टाइम करेक्ट नहीं है तो आपको जो यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर ऑफ के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप जो है यहां पर डेट एंड टाइम को जो है मैन्युअली सेट कीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है फिर से यहां पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहां पर यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है बैक आना है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में और यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, अबाउट पर क्लिक करना है और आप जो यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर वर्जन, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा अपडेट प्ले स्टोर, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्ले स्टोर अपडेट नहीं है तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर आपको बैक आना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने स्मार्ट टीवी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।